उत्तर प्रदेश के आगरा के जगदीशपुरा इलाके के रहने वाले सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि की पुलिस कस्टडी में मौत पर अब सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख मुआवजे और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का वादा किया है। वहीं वाल्मीकि समुदाय के लोग अरुण की मौत के मामले में स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले में अरुण वाल्मीकि की मौत को लेकर इलाके के लोगों ने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पूरन देवी अरुण को जानती हैं आप? हाँ, बस्ती का रहने वाला है। ये क्या करता था अरुण? ये थाने में सफाई का काम करता था। कौन से थाने में? हरी परवाजा में, जगदीशपुर थाने। क्या हुआ उसके साथ? उसको चोरी का इल्जाम सुना था साहब। दो दिन पुलिस आई, जब तक बस्ती में कोई हंगामा खाली उसकी पब्लिक को उठा कर लेके उसके परिवार को, उसके बाद में वो हाथ नहीं आया तो भाई बस्ती के लोग उठाने लगा। अब कल 4 बजे हाजिर हो गया, पकड़ा गया कहीं ताजगंज में। रात भर उस राती में खत्म कर दिया, वो सच नहीं बोल पाए। सब इसमें हाथ पुलिस वालों का ही है। थाने में सफाई करता था, ये ताला वाला बुता तोड़ नहीं सकता सफाई वाला। ये पुलिस के जरिए से चोरी हुई है और इन्होंने नाम आने से पहले ही उसको खत्म कर दिया। ये अरुण क्या करता था? थाने में सफाई का काम करते थे। सफाई का? कौन से थाने में? जगदीशपुरा थाने में। क्या हुआ अरुण को? मारा गया, पुलिस वालों ने मार दिया है। कल पकड़ लिया। कैसे मारा? कल ही पकड़ा, कल ही मारा गया। अब ये तो हमें नहीं मालूम, हम तो घर पे रहते हैं, ये तो इनको मालूम है ना कैसे करा क्या नहीं करा इनके साथ। पुलिस कस्टडी में हुई सफाई कर्मचारी अरुण वाल्मीकि की मौत को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस और सपा इस मामले में सरकार को घेरने में लगे हैं। वहीं अब बसपा सुप्रीमो मायावती भी एक्शन में आ गई है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि आगरा में पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मी की हुई मौत की घटना अति दुखद है। इस संबंध में बीएसपी आगरा घटना के दोषियों को सजा दिलाने की मांग करेगा। गौरतलब है कि यह पहला मामला नहीं है जब योगी सरकार की पुलिस पर सवाल खड़े हुए हैं। इससे पहले भी चाहे वो हाथरस मामला हो या मनीष गुप्ता का मामला, पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े होते रहे हैं। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।